हेलो एवरीवन, दिस अरित्रा बनर्जी और मैं आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई करते हैं, आप लोग सच्चाई बताते हैं। गोलमाल लेकिन रिसेंटली रिलीज हुई है और बहुत बड़ी सुपरहिट पिक्चर है, हाउसफुल ज़्यादा है। तो मैं आपको गोलमाल के पूरे सीरीज़ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि गोलमाल का जो सीरीज़ है वो कहाँ से इंस्पायर्ड है, उसकी स्टोरी लाइन कहाँ से ली गई। तो स्टार्ट करते हैं 2006 गोलमाल फन अनलिमिटेड से, जो इस सीरीज़ का पहला फिल्म था, और उसका प्लॉट एक मराठी प्ले घर घर से लिया गया था, जो ऑलरेडी तेलुगु में बन चुका था, जिसमें मोहनलाल थे, प्रियदर्शन जी का डायरेक्शन था। 2001 में एक फिल्म बनी थी, उसका नाम मुझे याद नहीं है, बट ये उसका फोटोग्राफ है। तो उस फिल्म की कहानी और गोलमाल फन अनलिमिटेड की कहानी सेम थी, और मेन जो प्लॉट था वो घर घर बोल के मराठी प्ले से उठाया गया। कमिंग टू गोलमाल रिटर्न्स, जो 2008 में रिलीज हुई थी और बहुत बड़ी सुपरहिट थी, उसका भी जो प्लॉट है वो 1986 का एक मराठी फिल्म है फेका फेका, उससे इंस्पायर्ड, नॉट इंस्पायर्ड, आई विल से इट इज़ कॉपी। एंड कमिंग टू गोलमाल 3, विच इज़ ऑल अ बिगर हिट देन गोलमाल रिटर्न्स, उसका जो प्लॉट है वो बासु चटर्जी की फिल्म खट्टा मीटर, जो 1978 में रिलीज हुई थी, वहाँ से कॉपी। तो रोहित सर जो है बहुत ही टैलेंटेड है, वो अपने सारे फिल्मों का प्लॉट कहीं ना कहीं से लेते हैं। तो जैसे बोल बच्चन है, उसका जो पुराना गोलमाल है ऋषिकेश मुखर्जी का, उसका प्लॉट वहाँ से लिया गया है। सिंघम तो आप लोग जानते ही हैं, वो तमिल करी में। तो सारे जो भी फिल्में, अच्छा ऑल द बेस्ट, वो भी बड़ी हिट थी, वो भी एक फ्रेंच प्ले से उठाया गया, उसका जो प्लॉट था वो वहाँ से उठाया गया। तो दैट वॉज वीडियो ऑल अबाउट गाइज, यू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पर हिट कीजिए, और अगर ये चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय।